उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें कि पूरे जनपद में 40 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी, प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर, डीएम पवन अग्रवाल, विधायक बलरामपुर सदर पट्टू राम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा तहसील बलरामपुर सदर के ग्राम पंचायत अडार पाकड़ विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम बैलभरिया एवं देवनगर में पौधारोपण किया गया एवं जनमानस को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता को खंड विकास अधिकारी राजीव मोहन त्रिपाठी ने बताया कि वायु वृक्ष जल एवं मिट्टी प्रकृति का उपहार है। इस प्राकृतिक उपहार को सहजते हुए आने वाले भविष्य के लिए जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। महिलाओं के माध्यम से भी गांव में वृक्षारोपण कराया गया। सहजन की जो आवास के लाभार्थी हैं, उनको सहजन के पौधे दिया गया है। किसानों को प्रेरित किया गया। हाँ, किसानों को अभी यहाँ बैठ करके हम लोगों ने पर्यावरण वर्तमान स्थिति जो पर्यावरण की स्थिति खराब है उसको देखते हुए सभी किसानों को अधिक से अधिक फल लगाने के लिए, जो पौधा लगाने के लिए तथा जो भी पौधा है उसको सुरक्षा करने के लिए जिंदा लिए मनरेगा के अंतर्गत इसमें हमने जो यहाँ पौधा टीगार्ड से पौधे भी दिए गए हैं और जो भी यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत जो हमारे पौधे लगाए गए हैं इसमें मेंटेनेंस के लिए दो मजदूर को लिए हम साल भर के लिए नियुक्त कर दिए हैं कि वो देखभाल करेगा, उसका पानी करेगा, उसका देखभाल करेगा। पौधों का सहयोग कहाँ से प्राप्त हुआ? वन विभाग से पौधा आया है, उसे यहाँ पौधा आ करके हर नहीं किसानों को शुल्क निःशुल्क रूप से पौधा यहाँ वितरण किया गया है ग्राम पंचायत के माध्यम से और सभी किसान इसको ले जा करके अपने के यहाँ फलदार पौधा ले जा करके आम का और नींबू का और करौदा का ये सब पौधे लेकर के उनको लगाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।